और 12 गेंदे अब बाकी, 12 रन चाहिए। बैटिंग पावर प्ले इस वक्त लिया जा रहा है और मैं समझता हूँ ये जो ओवर है यहाँ पर शुरू होने जा रहा है दोनों टीमों के लिए निर्णायक हो सकता है। अगर इस ओवर में दिव्य स्टार के बल्लेबाज कम से कम 8 से 10 रन बटोरते हैं तो लक्ष्य उनके लिए आसान हो सकता है, और अगर इस ओवर में जो गेंदबाज गेंदबाजी शुरू करने जा रहे हैं वो लगभग 2 या 3 रन प्रदान करते हैं, चंद विकेट प्राप्त करते हैं, चंद विकेट चटकाते हैं, तो निस्संदेह जमन बॉयज का तख्ता यहां पर भारी हो सकता है। फिलहाल दोनों टीमों के लिए ऐसा कहना पड़ेगा दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिसाइडिंग ओवर फॉर द बोथ टीम्स। और गेंदबाजी गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए नंबर 33 जर्सी पहने हुए गेंदबाज तौफीक, और यहां पर नया ओवर शुरू होता हुआ एक्सपर्टाइज एंड की ओर से। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए 12 टू गेट फ्रॉम 12 बॉल्स, 12 गेंदे 12 रन चाहिए और मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। बैटिंग पावर प्ले इस वक्त जारी, केवल 3 मात्र फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, मिड ऑफ कवर पॉइंट इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, गली शॉर्ट फाइन लेग स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट। शाकिर बल्लेबाज, तौफीक गेंदबाज, ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया मिड ऑफ की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े और इस बार काफी ऊंचा थ्रो स्टम्सों पर टकराता या फिर थ्रो स्टम्सों के ऊपर आता तो निस्संदेह बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन थ्रो काफी ऊंचा आया और इस थ्रो को कलेक्ट करने में गेंदबाज असफल रहे, फलस्वरूप बल्लेबाज तेजी के साथ 1 रन पूर्ण कर चुके हैं। 11 गेंदे 11 रन चाहिए विजय के लिए और गेंदबाज तौफीक तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पहला पर टकराई प्लंब इन फ्रंट और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। शाकिर की पारी समाप्त, स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, पैरों पर गेंद टकराई, उनका पैर बिल्कुल मिडिल स्टंप के सामने रहा और सही निर्णय अंपायर सीरज का इस गेंद पर जो उन्होंने दिया, तो इसी के साथ 5वां विकेट यहां पर गिर चुका है 47 रनों के ऊपर 11। और इस बार तौफीक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, नए बल्लेबाज नवाज स्ट्राइक लेते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार बर्न आउट, परफेक्ट डिलीवरी एंड गेट द रीड ऑफ द राइट हैंडेड बैट्समैन, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद उछालना चाहा, बल्ले और पैर के बीच में गेंद अंतर बनाकर निकली इस वक्त मिडल लेग स्टंप पर और सीधे गिल्लिया बिल्स उड़कर गिरते हुए, तो बिल्कुल सही बात आपने कहा। और जहां तक सवाल है इस ओवर की बदौलत तख्ता कुछ हद तक जमन बॉयज का लड़का का भारी लगता हुआ, लेकिन मौका जरूर है इस वक्त दिव्य स्टार शांति अंगड़ी के बल्लेबाजों को बाउंस बैक करने का। हैट्रिक गेंद लेकर तैयार गेंदबाज तौफीक, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, नए बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर, 48 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट 10 टू गेट फ्रॉम 8 डिलीवरीज। व्हाट अ मैच, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मैच इज नाउ गोइंग ऑन हियर, द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। और खलील जो कि एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, 23 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते ही इस बैटिंग ऑन 23, ये गेंद चिप किया ऑफ द टोस लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और इस बीच मिसफील्ड, लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर थे वहां पर जरूर मिसफील्ड हुआ होगा, हमें यहां पर कमेंटेटर बॉक्स से ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन जहां पर सिर्फ 1 रन बनने चाहिए थे वहां पर मिस जजमेंट की वजह से चौका प्रदान कर चुके फील्डर नजर, और इस चौके के साथ द 50 इज अप फॉर बाउंड्री, सो 3+3 6 रन्स अंडर दिस कंडीशन दे कंसीडिंग इन द फॉर्म ऑफ मिसफील्ड एंड दे हैव टू पे द पेनल्टी फॉर दैट। बिल्कुल सतीश, 2 बार उसी फील्डर ने मिसफील्ड किया था और ना सिर्फ उन्होंने मिसफील्ड किया बल्कि 6 ज्यादा रन उन्होंने प्रदान किए उन 2 मिसफील्डों की वजह से, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार चिप किया ऑफ द टोस, वाइड इज लॉन्ग ऑन पर पीछा करते हुए फील्डर गेंद को रोकने में सफल, वाइड इज लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर और इस बीच 3 रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज 3 रन न पूर्ण कर गेट फ्रॉम 6 बॉल, बट क्रिकेट इज अनप्रेडिक्टेबल गेम, एनीथिंग कैन बी हैपन, बट फॉर दैट वन मैजिकल बॉलर इज रिक्वायर्ड हु कैन बॉल 6 good deliveries and on a 2 wickets might be better for your Zaman Boys color cut to back into this game. Exactly Satish, 3 run chahiye 6 gendon mein, Khalil aur Khalil ka aamna samna ek bar fir se ho chuka, ballebaz Khalil, gendbaz Khalil, pehli gend appeal aur Khalil ki pari samapt,
तो गेंदबाज खलील इस वक्त यहां पर इस गेंद पर बल्लेबाज खलील का विकेट प्राप्त करने में सफल। तीन रन चाहिए, पांच गेंदे बाकी और खलील की एक बेहतरीन पारी पर यहां पर पर्दा गिर चुका है। इफ द खलील बॉल्स विकेट विकेट आई थिंक इवन थ्री माइट बी लिटिल बिट ट्रबल फॉर दिवेन सर बिकॉज न्यू बैट्समैन कमिंग इनटू द मिडल एंड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द बॉलर टू बॉल सम गुड डिलीवरीज। बिल्कुल सतीश, नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, यही एक सही वक्त है किसी भी गेंदबाजी करने का गेंदबाज के लिए। देखना यह है क्या होता है। पहली गेंद डॉट गेंद एंड द टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग। तो तीन रन चाहिए, चार गेंदे बाकी। अब कुछ हद तक मैं कहूंगा दबाव बल्लेबाज के ऊपर। स्ट्रेट अवे पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करने के बाद कुछ हद तक उत्तेजित नजर आते हुए गेंदबाज अगली गेंद उन्होंने फेंकी थी लेग स्पिन के तौर पर और इस गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने में बीट हो गए। और अब बरकरार और खलील गेंदबाज एक बार फिर से तैयार हमीद के लिए। सात विकेट गिर चुके हैं, तीन विकेट केवल सुरक्षित और गेंदबाज खलील फील्डिंग में जमावट करने के बाद इस वक्त तैयार। छह फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात बल्लेबाज को घिरे हुए। थ्री ऑफ फोर डिलीवरीज, हियर वी गो, दाएं हाथ ऊपर द विकेट, फुल टॉस, गेंद को ड्राइव किया, स्वीपर मौजूद वहां पर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर, क्लीन कलेक्शन, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 56, अब तक 56 रन बन चुके हैं और सिर्फ दो रन चाहिए विजय के लिए जबकि तीन गेंदे और फेंके जाने बाकी। डॉट गेंदों की सख्त दरकार, जमन बॉयज का लड़का को इस मैच में वापस आने के लिए, रनों की सख्त दरकार दिवी स्टार शांति अंगड़ी को। यह गेंद पुश किया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, एक रन मिलेगा, मिसफील्ड और इस मिसफील्ड के साथ दे आर वन द मैच बाय थ्री विकेट्स विद जस्ट अ कपल ऑफ बॉल्स रिमेनिंग इन द इनिंग्स। सो व्हाट अ फैंटास्टिक मैच। निस्संदेह अंतिम जो स्ट्रोक था उस स्ट्रोक पर स्लॉपी फील्डिंग।